नमस्कार, मैं हिमांशी कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त बिहार की सियासत में नीतीश कुमार चर्चा के केंद्र में हैं। वजह है उनका आग बबूला हो जाना, गुस्से में अपना आपा खो देना। पिछले दफे कुछ दिनों से वो कई बार इस तरीके से रिएक्ट कर चुके हैं और इसको लेकर अब विपक्षी पार्टी उनको निशाने पर ले रहे हैं, लगातार तंज भी कर रहे हैं। तंज करने का अंदाज देखिए, आरजेडी विधायक मुकेश रोशन विधानसभा पहुंचते हैं आला मशीन और ब्लड प्रेशर की मशीन को लेकर। जब पत्रकार सवाल पूछते हैं कि बाकायदा आप इन चीजों को लेकर क्यों आए, ये कोई अस्पताल नहीं है, तो वो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए आए, क्योंकि उन पर उम्र हावी हो गया है और वो लगातार आपा खो दे रहे हैं। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी तंज किया था और इसके बाद अब सत्ता पक्ष की तरफ से ही पलटवार किया गया। हम बता दें कि तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके नीतीश कुमार पर करारा प्रहार किया था और लिखा था, जब जब इंसान को गुस्सा आता है तब तब उसकी कमजोरी का एहसास दिलाता है। जो समस्या का हल ढूंढते हैं वो क्रोध नहीं करते, जो क्रोध करते हैं वो समस्या का हल नहीं ढूंढते। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के उन तमाम छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स को शेयर किया एक साथ, जहां पर वो आग बबूला होते हुए दिखाई देते हैं। अब स्वाभाविक है, इसको लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आना था, तेजस्वी यादव पर हमला करना स्वाभाविक था। तो जेडीयू की तरफ से मोर्चा संभाला जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक ने। बकायदा उन्होंने एक अखबार के क्लिप को शेयर करते हुए लिखा है, ये परिपक्व ना होने की निशानी थी, अब आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो व्यवहार में सुधार अपेक्षित है। बिहार को तो निराश करते ही हैं, अपने वोटर्स को निराश मत करिए, दिल्ली से वापस आइए और जिम्मेदारी की भूमिका निभाइए। आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव इस वक्त दिल्ली में है और इसी को लेकर अजय आलोक ने तंज किया है और कहा है कि आप जो है अपरिपक्व हैं, लेकिन अब आपसे जो है कम से कम आपके वोटर्स इच्छा जाहिर रखते हैं, ये आकांक्षा रखते हैं कि आप जिम्मेदारी पूर्वक अपना कर्तव्य निभाइए। बकायदा वो जो पेपर का क्लिप है उसमें हाईकोर्ट का एक डिसीजन है जिसमें कहा गया है कि जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उस वक्त उप मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने एक ऑफिसर का ट्रांसफर किया था और उस वक्त कहीं ना कहीं कोर्ट ने एक टिप्पणी करी थी कि आपको लॉ की जानकारी होनी चाहिए और आप किसी अन्य लोगों से प्रभावित ना हो, इन्फ्लुएंस ना हो। इसी को लेकर अजय आलोक ने तेजस्वी यादव पर इमैच्योर्ड अपरिपक्व होने का आरोप लगाया, साथ ही साथ कहा कि आप अपने वोटर को निराश मत करिए और दिल्ली में मत रहिए, जल्दी बिहार आ जाइए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए। तो इस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर मामला अब गरमाता जा रहा है। लगातार जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो बार बार इस बात को लेकर हमला कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का उम्र हो गया है, अब वो जो है ठंडे दिमाग से काम नहीं कर पा रहे हैं, बात बात पर आपा हो जाते हैं। तो आप देखते रहे भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहें। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।